I bet. Okay. Canon था. Assalamualaikum, welcome back to my another vlog. तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सभी का सही जा रहा होगा. सो गाइस, दो तीन दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बीमार था एंड मैंने YouTube कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि दो तीन दिन वीडियोस नहीं आ जाएंगे एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया. सो गाइस, अभी सुबह के बजे 7:30 और मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, फ्रेश तो मैं हो गया, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद बाहर दोस्त वेट कर रहा होगा और हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा. पहले मैं नमाज पढ़ूंगा क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और जहां हमें जाना है वो बंद करेगा फिर 8 बजे के बाद शॉप. तो पहले हम नमाज पढ़ेंगे उसके बाद जाते हैं. चलो तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ. मुझे दोस्त ने फ़ोन किया कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा, लेट हो जाएगा फिर. अब हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ हमें जाना है. ठंड में बहुत फ़र्क है, आज उतनी ठंड नहीं है जितनी हुआ करती थी. ये देखो 2 बजे सुबह मदरसा जाते हुए कहाँ पर है ये, यहाँ तो है नहीं, इसने कहा मैं सड़क पर वेट कर रहा हूँ. कहाँ पर है ये, यहाँ भी नहीं है, ये कहाँ पर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है. अरे कहाँ है, किधर है, किधर है, किधर है, ये रहा. अरे ये नहीं, वो जो आ रहा है, जादू बन के जो आ रहा है, यही है बंदा जिसके साथ हमें जाना है. हरीसा खानी आली कदम में. हरीसा खाना है, हरीसा क्या सुन का पड़ी, मगर क्या सुन का पड़ी, मगर पर कहाँ पर है, मैं क्या छुपा है, पीछे गाड़ी है ना, मैं क्या छुपा है, कद छी बेटू यह. आज का बच्चे पैरा सकें. सुबह से हम पहुँचे बराबर हरीसा शॉप वाले कदल में. ये है वो शॉपकीपर जो हर सब बेचता है और ये रहा मेरा दोस्त. हमें बहुत ठंड लगी दोनों को. अब हम अंदर जाते हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है. अब हम अंदर जाके हरीसा खाते, देखते कैसा टेस्ट होगा, फिर मैं आपको बता दूँगा.
सो गैस हमारा हरिसा तैयार हो गया। वो देखो वो भैया ला रहे दो प्लेट्स हमारे लिए। अब हम खाकर आप सभी को बताएंगे कि टेस्ट कैसा है, घर का अच्छा होता है कि बाहर का। चलिए खाते हैं। Later. ये हम दोनों ने हरसा खाया और हरसे में टेस्ट कैसा था? एकदम घटिया। वल्लाही मुझे लगता है घर का कमाल होता है, घर वाले बहुत अच्छा बनाते हैं। पैसे बर्बाद, इसलिए मैं मतलब बाहर का नहीं खाता हूँ, घर का ही खाता हूँ। ये बंदा कैसा लगा तुमको टेस्ट? ओ भाई साहब कैसा था सच्ची बताए? मैंने अपना भी आधा इसको दिया, एकदम घटिया। इतने में तो हम मतलब घर में बहुत बना सकते हैं और सारे खा सकते हैं घर वाले, जितना इसने पैसे लिए। सो, चलो इसका भी अलग ही स्वाद होता है। चेक कर लिया हमने बाहर का, जो खाते हैं उसमें टेस्ट नहीं होता है। अब हम निकलते हैं घर। ये देखो ये है सब्जी मंडी यहाँ पर। ये सुबह 5:30 बजे लगती है, 5:30 बजे लग जाती है मंडी यहाँ पर। अब मैं पहले इसको घर छोड़ दूँगा, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा और फिर देखते क्या होगा। उतरी है भाई साहब, फिर से खाओगे बाहर का अरसा? फिर से खाओगे? फिर कानन था कैसे? एकदम घटिया। क्या सजेस्ट करोगे हमारे लोगों को जो हमें देखते हैं कि बाहर का हरसा मत खाया करो, बस ये अफवाह है कि बाहर का अच्छा मिलता है। चलो मैं निकलता हूँ, मेरे को बाइक धोनी भी है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और हमने हरसा खाया आली कदम में। बट मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे अच्छा लगता है बाहर की चीज़ें खाना। बट सीरियसली जो मैंने सुना है ना कि मतलब हरसा अच्छा मिलता है कश्मीर में, आप जाओ वहाँ पर, यहाँ पर जाओ कश्मीर में अच्छा हरसा मिलता है, मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। बस ये अफवाह, पता नहीं ये सूत्रों के अनुसार ये जो खबरें मिलती है ना कि बाहर के हरसा में टेस्ट होता है, ये कहाँ से मिलती है? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो घर में बनता है ना वो बहुत लाजवाब होता है, उसमें बहुत टेस्ट होता है ना, वहाँ पर नमक था ना कुछ भी टेस्ट नहीं था, बस पैसे बर्बाद। सो अब हम घर आ चुके हैं, अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद क्या दिन में होगा वो सीन मैं आपको दिखाऊंगा, तो मिलते हैं बाद में। सो गाइस जितना मैंने सुबह से शूट किया था उसकी मैं एडिटिंग कर रहा था, तो अब मैं बैठे बैठे बोर हो गया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ननिहाल चला जाऊँ, वहाँ पर दोस्त भी है कुछ, उनसे मिलूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा घर 2-3 दिन के बाद। अभी मेरा मूड भी सही नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले बाइक दूंगा, क्योंकि मेरी बाइक की हालत एज यू नो बहुत ख़राब है, तो मैं वो धो लूँगा तब तक, फिर उसके बाद अगर हुआ तो मैं चला जाऊँगा ननिहाल। सो चलो चलते हैं, धोते हैं हम अपनी बाइक, चमकाते हैं अपनी चमक छलों को। ये मैंने शैम्पू लाई, ये देखो बाइक की हालत क्या है, और मैंने पहले कपड़े चेंज किए, पुराने कपड़े लगाए, क्योंकि ऐसे उनकी हालत ख़राब हो जाएगी धोते धोते। ये देखो पहले बाइक की हालत क्या है, चलो मैं धोता हूँ इसको, चमकाता हूँ अपनी चमक छलों को।
few moments later. तो अब हम लगाते हैं बाइक पे क्रीम. ये मुझे फैसल ने बर्थडे गिफ्ट दिया था. ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट दिया था उसने मुझे. तो पहले मैं लगाऊंगा ये अपनी बाइक पर. और फाइनली हमारी चमक छल्लो तैयार है राइड के लिए. सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बाइक धोई, उस पर क्रीम शीम लगाई भी मैंने, चमक छलो को मैंने चमकाया भी. और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा. लास्ट में वही बात जो मैं बोलता हूँ एज यूजुअल, कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना. सर्दी बहुत है. बाय.